हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल। तो आज हम PT 365 पार्ट टू करने वाले हैं। पार्ट वन मैंने सबसे पहला वीडियो मेरा PT 365 पार्ट वन डाला था, अभी हम पार्ट टू कवर करने वाले हैं। ठीक है, वैसे और एक मेरी पॉलिटी की सीरीज़ जो चल रही है वो कंप्लीट पॉलिटी फॉर प्रिलिम्स हम कवर करने वाले थ्रू माइंड मैप्स। ठीक है, तो वहाँ पे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हो चुकी है। तो इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो गाइज, आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल आफ्टर दिस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट टू ऑफ PT 365 ऑफ पॉलिटी। ठीक है, ये प्रिलिम्स बेस्ड है। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में एक जो भी किया था, हम सिर्फ एक बार ग्लांस कर देते हैं उसका, एक मिनट। हाँ, तो हमने लास्ट टाइम क्या क्या किया था, तो हमने रिजर्वेशन किया था। रिजर्वेशन किस में? लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ठीक है, कौन सा 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें एक्सटेंड किया गया रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू लोकसभा। इसमें क्या इनमें क्या इंक्लूड नहीं किया गया? एंग्लो इंडियंस इंक्लूड नहीं किए गए। ठीक है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की थी, जिसमें रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, EWS जिसको बोलते हैं, वो किया था। 102nd में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था NCBC को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोडक्शन ऑफ GST, तो 101 GST है। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव टेरिटरीज विद बांग्लादेश एंड कन्फर्मेंट ऑफ सिटीजनशिप राइट्स टू रेजिडेंट्स ऑफ एनक्लेव्स। ठीक है, 100 में टेरिटरीज टू बांग्लादेश याद रखना, 101st इज़ GST, 102nd इज़ NCBC एंड 103rd इज़ EWS एंड 104th इज़ रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट, एक्सटेंड ऑफ रिजर्वेशन टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, इसमें हमने किया था आर्टिकल 334 अमेंड किया था, रिजर्वेशन ओनली फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, ओके, हर एक 10 साल के बाद में उसको ये करने वाले थे। इस टाइम एंग्लो इंडियंस को निकाल दिया गया है। ठीक है, फिर और क्या पढ़ा था हमने? आर्टिकल 330 एंड 332 प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिस्पेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशो। अंडर 331 आर्टिकल, प्रेजिडेंट कैन नॉमिनेट टू मेम्बर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कमिटी कम्युनिटी। ठीक है, 331 उसको स्क्रैप कर दिया गया है अभी फिलहाल, मतलब अभी एंग्लो इंडियंस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। एंड आर्टिकल 333 प्रोवाइड द सेम पावर टू द गवर्नर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया रिजर्वेशन, ये हो गया। अभी रिजर्वेशन एंड प्रमोशंस फॉर SC ST देखा था हमने, जर्नैल सिंह वर्सेस लच्छामी गुप्ता केस रिलेटेड टू रिजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर SC ST। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लच्छामी जर्नैल सिंह वर्सेस लच्छामी गुप्ता केस इज रिलेटेड टू व्हाट? द कर्नाटका एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सिक्वेंशनल सीनियोरिटी टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजर्वेशन टू द पोस्ट ऑफ द सिविल सर्विस ऑफ द स्टेट एक्ट ग्रांटिंग कोटा एंड प्रमोशन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये कौन से आर्टिकल जिसमें इंक्लूड है? 15(4) विच अलाउ स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स और फॉर SCs एंड ST। ठीक है, 16(4) क्या बोलता है? प्रोवाइड्स रिजर्व प्रमोशन फॉर पोस्ट फॉर SCs एंड ST दैट रिमेन्ड अनफिल्ड कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर एंड इट इंश्योर्स दैट सीलिंग ऑन द रिजर्वेशन कोटा कैप 50% बाय द इंदिरा स्वानी केस। इंदिरा स्वानी केस कैप किया था रिजर्वेशन को, 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ध्यान रखना, इंदिरा स्वानी केस इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन। ठीक है, आर्टिकल 335 मैंडेट्स दैट रिजर्वेशन हैव टू बी बैलेंस विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी। इंदिरा स्वानी केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था रिजर्वेशन कैनॉट बी एक्सटेंडेड टू प्रमोशन। इंदिरा स्वानी केस 1992 में ये बोला गया था कि रिजर्वेशन कैनॉट बी एक्सटेंडेड टू प्रमोशन। ठीक है, 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 गे बैक कॉन्सिक्वेंशनल सीनियोरिटी टू SC ST प्रमोटीज। ठीक है,
ठीक है, तो एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस देखा था 2006, जिसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज टू इंक्लूड प्रमोशंस विद थ्री कंडीशंस। ये कौन सी थ्री कंडीशंस थी, क्वांटिफाइबल डेटा ऑन द बैकवर्डनेस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द फैक्ट अबाउट द इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एंड द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया। क्रीमी लेयर की बात हो गई। द कंसेप्ट हैज़ इट्स जेनेसिस इन द इंदिरा स्वाइनी केस 1992। सुप्रीम कोर्ट आज द गवर्नमेंट टू डिफाइन द क्राइटेरिया बाय फिक्सेशन ऑफ इनकम और प्रॉपर्टी और स्टेटस। ठीक है, करेंटली क्रीमी लेयर इज एप्लीकेबल टू अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, एससीज एसटीज के लिए क्रीमी लेयर नहीं है, ध्यान रखिएगा। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के बारे में हमने बात की थी, मीन्स एलिवेशन टू अ सीनियर पोजिशन कॉन्सिक्वेंशियल टू सर्कमस्टेंसेज एंड नॉट नॉर्मल रूल्स। ठीक है, फिर देखा था रिजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज। ठीक है, इसमें भी देखा था हमने, ओके, वर्टिकल रिजर्वेशन एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, ओके, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस कौन सा था, 100 एंड, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, 100 एंड कौन सा था भाई, लोग बताओ, 100 एंड, वेरी नाइस, 103rd, 10% EWS दिया था। ठीक है, तो ये हुआ वो EWS हुआ, 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस। ठीक है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 इंसर्टेड आर्टिकल 15(6) एंड 16(6), ध्यान रखना EWS में कौन सा, आर्टिकल 15(6) और 16(6). ठीक है, इन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू अलाउ रिजर्वेशन फॉर EWS अमॉन्ग जनरल कैटेगरी। ठीक है, ओके, EWS अमॉन्ग जनरल कैटेगरी विल नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ध्यान रखें, इकोनॉमिक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई नहीं करेंगे। द न्यू आर्टिकल 16(6) परमिट्स द गवर्नमेंट टू रिजर्व अप टू 10% ऑफ ऑल गवर्नमेंट पोस्ट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी होंगे गवर्नमेंट पोस्ट में। द सेंटर हैज़ नो रोल इन डिसाइडिंग द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंटर विल नॉट डिसाइड द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स आर फ्री टू डिसाइड वेदर टू इम्प्लीमेंट द 10% कोटा फॉर EWS इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशंस टू स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये हुआ था। जॉब रिजर्वेशन प्रमोशन कोटा इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। फिर इसमें क्या बोला गया था, जो जॉब रिजर्वेशन है और प्रमोशन कोटा जो होती है, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट देर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू रिजर्वेशन इन इन अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशंस अंडर आर्टिकल 16(4) एंड 16(4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या बोलता है, ये एनेबलिंग प्रोविजंस है, वेस्टिंग अ डिस्क्रिशन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। ये 16(4) और 16(4A क्या है, एनेबलिंग प्रोविजंस है, वेस्टिंग अ डिस्क्रिशन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट टू कंसिडर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इफ द सर्कमस्टांसेस सो वॉरेंट। अगर उनको लगता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे है कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट देगी। आर्टिकल 16(4) क्या बोलता है, एम्पावर स्टेट टू मेक एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। ठीक है, 16(4) और 16(4A क्या बोलता है, एम्पावर स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन द मैटर्स ऑफ प्रमोशंस टू द एससी एसटीज एम्प्लॉय। इट इज सेटल्ड लॉ दैट स्टेट कैनॉट बी डायरेक्टेड टू गिव रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन पब्लिक पोस्ट। द ऑर्डर फर्दर एज द स्टेट इज नॉट बाउंड टू मेक अ रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज इन मैटर ऑफ प्रमोशंस। ठीक है, बिल टू इंक्लूड मोर ट्राइब्स इन एसटी कैटेगरी। अब क्या बोलता है, बिल आया है जिसमें इंक्लूड किया गया मोर ट्राइब्स इन द एससी एसटीज कैटेगरी, नॉट द एससी एसटी कैटेगरी। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2019 विच सीक्स टू ग्रांट शेड्यूल ट्राइब्स स्टेटस टू सर्टन कम्युनिटीज इन कर्नाटका
वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अभी कम्युनिटीज कौन सी इंक्लूड है, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परिवारा, तलावारा, सिद्धी ट्राइब्स ऑफ बेलगावी एंड धारवाड़। ठीक है, परिवारा, तलावारा, सिद्धी ट्राइब्स ऑफ बेलगावी, धारवाड़। ठीक है, ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 366(25) डिफाइंड शेड्यूल ट्राइब्स एज दोज डीम्ड अंडर आर्टिकल 342 टू बी एसटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आर्टिकल 366(25) डिफाइन करता है शेड्यूल ट्राइब्स, जो आर्टिकल 342 में है, पर्पज मतलब जो डीम्ड है, मतलब जो लिखे गए हैं अंडर द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी 342 क्या प्रपोज प्रिस्क्राइब्स प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द मैटर्स ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ एसटीज। एसटीज को कैसे पहचाना जाया जा सकता है, वो 342 में उसका प्रोसीजर दिया गया। फर्स्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ एसटीज इन अ पर्टिकुलर स्टेट यूटी इज नोटिफाइड ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन ऑर्डर देता है इसका, प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है आफ्टर द कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स कंसर्न। ठीक है, आफ्टर द स्टेट, पहले स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करता है, फिर वो ऑर्डर नोटिफाई करते हैं। दीज ऑर्डर्स कैन बी मॉडिफाइड सब्सिक्वेंटली ओनली थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से भी, उससे ही उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, ओनली थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। द क्राइटेरियन फॉलोड फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ कम्युनिटीज एज एसटीज आर इंडिकेशंस ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट्स। प्रिमिटिव ट्रेट्स मतलब अलग अलग दिखने वाले। डिस्टिंक्टिव कल्चर मतलब ये अपने नॉर्मल कल्चर से एकदम अलग है। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज एंड बैकवर्डनेस। दिस क्राइटेरिया इज नॉट स्पेल्ट आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ बिकम वेल एस्टैब्लिश। ठीक है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि द प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई शेड्यूल ट्राइब्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, दे आर नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव बिकम, दे हैव वेल एस्टैब्लिश्ड, मतलब ये जाना गया है कि ऐसे है। अब आते हैं हम राइट्स पे। इंटरनेट एज अ बेसिक राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डायरेक्टली प्रीलिम्स में या मेंस में आई एम श्योर 100% दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम बिकॉज ऑफ द जे एन के इशूज, बिकॉज ऑफ द अ लॉट ऑफ मोर इशूज। इंटरनेट एज अ बेसिक राइट इज गोइंग टू कम इन द एग्जाम, ये मुझसे लिख के ले लो अभी से। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिलीवर्ड वर्डिक्ट ऑन अ बंच ऑफ पिटिशंस चैलेंजिंग द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन इंटरनेट सर्विसेज एंड मूवमेंट ऑफ पीपल इन द जम्मू एंड कश्मीर। प्रोविजन्स फॉर इंटरनेट शटडाउन्स इन इंडिया। अब प्रोविजन कौन से इंडियन शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन के लिए, सबसे पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसके अंडर, और CRPC 1973 एंड टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885। ये तीन एक्ट के अंडर, तीन एक्ट नहीं बोल सकते, CRPC एंड टेलीग्राफ एक्ट एंड IT एक्ट 2000, इसके अंदर इंटरनेट को शट डाउन किया। मतलब ये एक्ट का सहारा लेके इंटरनेट को, मतलब आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप डायरेक्टली इंटरनेट शट डाउन करो, नहीं, कहीं तो प्रोविजंस लिखे होते हैं, उस प्रोविजंस को फॉलो करके आपको इंटरनेट शट डाउन करना है, आपके मन मुताबिक इंटरनेट नहीं शट डाउन। तो ये जो एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसमें कोई प्रोविजन होगी जो जो मेल खाता रहेगा कि ऐसा होने के बाद इंटरनेट शट डाउन कर सकते हैं, वो हिसाब से शट डाउन किए गए हैं। ठीक है, अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है इंटरनेट शटडाउन पे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट, ध्यान रखना, थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Restrictions on internet have to follow the principles of proportionality under 19(2). Principles of proportionality क्या बोलता है कि punishment should not be disproportionate to the offence committed. Punishment should not be disproportionate to the offence committed
और द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द स्टेट्स इंटरफेरेंस विद एक्सरसाइज ऑफ अ राइट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द गोल इट सीक्स टू अचीव। ठीक है, मतलब स्टेट को कुछ भी चाहिए तो कुछ भी करेगी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनका स्टेट इंटरफेयर कर रही है एक राइट में तो वो क्या अचीव करना चाहती है उससे उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू इंटरनेट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(g). फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू इंटरनेट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट। सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट फॉर इनडेफिनेट पीरियड नॉट परमिसेबल, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। अभी सेक्शन 144, अभी सेक्शन 144 एग्जैक्टली क्या करता है, ये कॉलोनियल एरा का लॉ था जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया था कि वो क्या करे, इधर लिखा है रुको ऊपर, टू इशू ऑर्डर्स टू प्रिवेंट एंड एड्रेस अर्जेंट केसेस ऑफ अप्रीहेंडेड डेंजर्स। दे यूजुअली इंक्लूड्स रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट, कैरिंग आर्म्स एंड फ्रॉम असेंबलिंग अनलॉफुली। असेंबलिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी, वेरी इंपॉर्टेंट द डेंजर। तो इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, इसमें ये आया कि तुमने सेक्शन 144 तो लगाया है बट द डेंजर मस्ट बी एन इमरजेंसी। ठीक है, पावर्स अंडर सेक्शन 144 शुड बी एक्सरसाइज इन अ रीजनेबल एंड बोनाफाइड मैनर एंड द ऑर्डर मस्ट स्टेट मटेरियल फैक्ट्स इन ऑर्डर टू एनेबल जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए उसके जुडिशियल रिव्यू के लिए। ठीक है, समझे। अभी ये क्या बोलता है, इट इज जनरली बिलीव दैट असेंबली ऑफ थ्री और मोर पीपल इन द प्रोहिबिटेड अंडर इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 144। मतलब तीन से ज़्यादा लोग सेक्शन 144 जब लगे हुए तब नहीं एक साथ खड़े हो सकते। However, it can be used to restrict even a single individual. ऐसे भी हो सकता है कि तीन नहीं एक ही आदमी भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द ऑर्डर क्या देखते ज़रा। ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 144 cannot remain in force for more than 2 months from the date of the order. 2 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता वो ऑर्डर, unless the state government considers it necessary. अगर स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए तो वो 2 महीने से ज़्यादा उसको कंटिन्यू कर सकता है, बट अगर करना भी चाहे तो इट कैन नॉट एक्सटेंड मोर देन 6 मंथ। मतलब मैक्सिमम पीरियड सेक्शन 144 कैन बी हेल्ड इज मैक्सिमम फॉर 6 मंथ्स, एंड 2 मंथ से ज़्यादा अगर उसको करना है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन या स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर्स इट नेसेसरी होना चाहिए। अभी तीसरा है, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। दीज रूल्स वर फ्रेम्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अंडर द टेलीग्राफ एक्ट, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। कब हुआ था, 1885, विच टॉक्स अबाउट इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू ब्लॉक ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी और फॉर पब्लिक सेफ्टी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। Any order suspending the internet under the rules can be only for a temporary duration and not for indefinite period. ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। Other judgments on the internet right देखते, in the Fahima Shirin versus State of Kerala. See, whenever you write answers ना, you can quote all these in Fahima Shirin versus State of Kerala या in the Jammu and कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस, यू कैन कोट दिस, आई एम श्योर यू गोना गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर इट। ठीक है, द केरला हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड द इंटरनेट द राइट टू इंटरनेट एक्सेस एज अ फंडामेंटल राइट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी। ठीक है, राइट टू लाइफ या आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आई थिंक आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आते हैं राइट टू प्रॉपर्टी पे।
अब ये क्यों न्यूज में रहा, सुप्रीम कोर्ट वॉज हियरिंग अ प्ली वेर लैंड ऑफ द अपीलेंट वॉज टेकन ओवर बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन 1967। तो भाई साहब 1967 में एक आदमी की लैंड ली गई थी, तो उसका रिसेंटली मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी, इट्स 2020 नाउ, तभी हिमाचल प्रदेश का जो जो आदमी की लैंड ली, पता नहीं वो जिंदा भी होगा, उसके बच्चे के बच्चे होंगे अभी, तो सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी। तो क्या बोलती, व्हाट डिड सुप्रीम कोर्ट से, टू फोर्सिबली डिसपोजेस अ पर्सन ऑफ हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वुड वॉयलेट ऑफ अ ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट वॉयलेट किया जाएगा। आर्टिकल 300A विच प्रोवाइड्स फॉर राइट टू प्रॉपर्टी, ध्यान रखना ये यूजुअली यहाँ पे आप लोग फंसोगे या फंसने के चांसेस है यहाँ पे, कि स्टेटमेंट डायरेक्टली दिया जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट। नो इट वॉज अ फंडामेंटल राइट बट इट इज़ नो मोर अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि उसको आर्टिकल 31A इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्टिकल 31 के आसपास था वो शायद राइट टू प्रॉपर्टी, बट इट वॉज ट्रांसफर टू आर्टिकल 300A। सो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें यूपीएससी या कोई भी स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स पूछ लेती है, एंड देन वी टेंड टू कन्फ्यूज आर सेल्फ। आर्टिकल 300 क्या बोलता है, राइट टू प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड द स्टेट टू फॉलो ड्यू प्रोसीजर एंड अथॉरिटी ऑफ लॉ टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज और हर प्राइवेट प्रॉपर्टी। इट सीज टू बी फंडामेंटल राइट विद इन द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1978। ध्यान रखना 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी ये फंडामेंटल राइट निकाल दिया गया था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा ईयर, 1978। ठीक है, द स्टेट कैनॉट बी परमिटेड टू परफेक्ट इट्स टाइटल ओवर द लैंड बाय इनवोकिंग द डॉक्ट्रीन ऑफ एडवर्स पोजिशन टू ग्रैब प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन सिटीजन्स, टू ग्रैब प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन सिटीजन्स। ठीक है, डॉक्ट्रीन ऑफ एडवर्स पोजिशन, एडवर्स पोजिशन मतलब कोई वहाँ पे पजेस नहीं कर रहा था तो हमने ले लिया वो लैंड, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलो आ गया, डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजिशन क्या बोलता है, अ पर्सन हु इज नॉट द ओरिजिनल ओनर बिकम्स द ओनर बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज़ बीन इन पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर अ मिनिमम ऑफ 12 ईयर्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजिशन क्या बोलता है, कि अगर कोई आदमी वो लैंड पे नहीं है और 12 साल से मैं वो लैंड संभाल रहा हूँ, तो वो लैंड मेरी हो जाएगी, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजिशन। ठीक है, विद इन विच द रियल ओनर डिड नॉट सीक लीगल रिकोर्स अगेंस्ट हिम, 12 साल के अंदर लीगल एक्शन नहीं लिया गया उसके ऊपर, तो वो लैंड चली जाएगी उसकी। ठीक है, अब सेडिशन पे आते हैं, सेडिशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एनी सिविल सर्विस एग्जाम्स, एंड रिसेंटली अगर आप देखोगे देखा देखा जाएगा तो रिसेंटली राजस्थान में चल रहा है सेडिशन को लेके, जो जो पायलट जो सचिन पायलट की कंट्रोवर्सीज, सो इसमें हम बात करेंगे सेडिशन के बारे में। तो क्यों न्यूज़ में रहा है, द रिसेंट अरेस्ट इन बेंगलुरु एंड कश्मीर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सिटीजनशिप, ओके आई एम वेरी सॉरी वेरी सॉरी, सेडिशन, ओके सेडिशन आई गॉट कन्फ्यूज, आई एम वेरी सॉरी गाइज, सेडिशन इज डिफरेंट, एंड जो मैं बात कर रहा था दैट वॉज दिस दैट दैट इज अ मदर वर्ड यार, आई फॉरगॉट दैट वॉज, एक मिनट मैं सोचता हूँ इसके बारे में। क्या बोलते हैं उसको जो पार्टी के व्हिप को नहीं मानता, आई फॉरगॉट, आई थिंक एंटी डिफेक्शन राइट, आई थिंक एंटी डिफेक्शन, आई एम वेरी सॉरी आई गॉट कन्फ्यूज बिटवीन सेडिशन एंड एंटी डिफेक्शन, चलो ठीक है, आई एम सॉरी गाइज, लेट्स गो इन फॉर सेडिशन। तो
तो सेडिशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी और एनी सिविल सर्विस एग्जाम. तो सेडिशन क्या बोलता है, विच फॉल्स अंडर 124A ऑफ द पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड में 124 सेक्शन में पड़ता है. इज डिफाइंड एज एनी एक्शन दैट ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू बी हेट्रेड और कंटेम्प्ट टूवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये क्या बोलता है सेक्शन 124A, कि एनी एक्शन दैट ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग हेट्रेड और कंटेम्प्ट टूवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेक्शन 124 ए किसने ड्राफ्ट किया था, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, थॉमस मैकॉले, ठीक है, इंक्लूड इन द आईपीसी इन 1870. पनिशमेंट अंडर सेक्शन 124 ए इज अ नॉन अवेलेबल ऑफेंस. ओके, अ पर्सन चार्ज अंडर दिस लॉ कांट अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब, दे हैव टू लिव विदाउट देयर पासपोर्ट एंड मस्ट प्रेजेंट देमसेल्फ इन द कोर्ट एज एंड वेन रिक्वायर्ड. इट इज़ अ वेरी डिफिक, ये यूजली ये जो लॉज बनाए गए थे ना, ये ब्रिटिशर्स ने अपने सौलाती के लिए या अपने चीज़ों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन बेटर कर सके, ताकि वो इंडियंस पे अच्छे से रूल कर सके, इसके लिए बनाया गया था. तो आई थिंक द गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव्स एंड ये सारे जो लॉज है सेडिशन, बिकॉज देर आर मैनी कंट्रीज जिसमें सेडिशन लॉज था, वो अभी अभी निकाल, मतलब वो ये कर दिए गए हैं, मतलब दे हैव बीन स्क्रैप्ड, मैनी कंट्रीज इट हैज़ बीन स्क्रैप्ड. तो फेमस सेडिशन ट्रायल कौन सा था, जोगेंद्र चंद्र बोस, जोगेंद्र चंद्र बोस 1891. बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, इनके ऊपर भी सेडिशन चार्जेस लगाए गए. ठीक है, ओके. अभी ये जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है सेडिशियस एक्ट के लिए, इसमें कौन से आते हैं, डिसरप्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, अटेम्प्ट टू वॉलेंट्री ओवर थ्रो अ लॉफुल गवर्नमेंट, थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और ऑफ पब्लिक. ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलो. माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, MEI जिसको बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो ये पढ़ लेते हैं हम एक बार. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, स्टेट कैनॉट रेगुलेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इन नेशनल इंटरेस्ट. स्टेट कैन, सॉरी कैनॉट नहीं, स्टेट कैन रेगुलेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इन नेशनल इंटरेस्ट. माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, उसके बारे में थोड़ा हम एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हम लोग एक बार देख लेते हैं. अब ये क्या है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्वासी जुडिशियल मतलब इट हैज़ सम जुडिशियल पावर्स एज वेल, दैट रेगुलेट्स द सर्टिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर इंडिया, जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की सर्टिफिकेशन देखती है. इट्स चेयरमैन शुड बी हु हैज़ बीन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब इसके जो जज हो, जो उसका चेयरमैन होगा वो जज ऑफ द हाई कोर्ट होगा एंड 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. इट हैज़ द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट, इट हैज़ बोथ ओरिजिनल एंड अपीलेट ज्यूरिडिक्शन. ओरिजिनल एंड अपीलेट ज्यूरिडिक्शन मतलब क्या होता है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन वो होता है कि जो डायरेक्टली उन पे उनको देख सके. ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब उनके केसेस डायरेक्टली ओरिजिनली उनके पास आएंगे. ठीक है, मतलब जैसे ही अगर ये सपोज नेशनल माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का कोई केस है तो डायरेक्टली इनके पास आएगा. और अपीलेट ज्यूरिडिक्शन मतलब क्या होता है, अपील करके आएगा उसके पास में. ठीक है, अपील करके मतलब सपोज लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में अपील करके आएगा, उसको बोलते हैं अपीलेट ज्यूरिडिक्शन. एज लेड डाउन इन द SC जोसेफ ऑफ क्लानी वर्सेज द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस. ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, इट हैज़ बोथ ओरिजिनल एंड अपीलेट ज्यूरिडिक्शन. कमीशन हैज़ एडजुडिकेटरी फंक्शंस एंड रिकमेंडेटरी पावर्स. ठीक है, इट डिसाइड्स ऑन डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग अफिलिएशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू अ यूनिवर्सिटी. ठीक है, क्या करता है, वो डिसाइड करता है डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग अफिलिएशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू अ यूनिवर्सिटी.
अगर उनको मतलब कोई इंस्टीट्यूशन उनको बोलता है कि हाँ हमारा ये ऐसे, तो वो खुद देखता है कि वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है कि नहीं, एंड फिर वो उसको अफिलिएशन देता है, ठीक है। इट हैज़ पावर टू इंक्वायर सो मोटो इन इन टू कंप्लेंट्स रिगार्डिंग डेप्रिवेशन एंड वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। सो मोटो, सो मोटो मतलब क्या हुआ, वो खुद से मतलब नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खुद से कंप्लेंट्स ले सकता है। मतलब अगर उसको लगता है कि कहीं माइनॉरिटीज़ पे, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे कोई वायलेशन हो रहा है कोई राइट का, ऐसे लग रहा है कि उनको ये एस्टेब्लिश नहीं करने दे, तो वो सो मोटो मतलब खुद से वो केस ले सकते हैं, ठीक है, समझ गए। ओके, इट स्पेसिफाइज मेजर्स टू प्रमोट एंड प्रिजर्व द माइनॉरिटी स्टेटस एंड कैरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस एस्टेब्लिश बाय माइनॉरिटीज। इट कैन ऑल्सो कैंसिल द माइनॉरिटी स्टेटस ग्रांटेड टू इंस्टीट्यूशन इफ दे फाउंड दे हैव वायलेटेड द कंडीशंस ऑफ द ग्रांट। वो ग्रांट निकाल भी सकते हैं कि अगर उनको लगता है कि उसने गलत किया है या उसने कोई ऐसी चीज़ की है जो रूल्स वॉयलेट कर दी है। नेशनल कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, नेशनल कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज NCLM एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 350B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेस पावर दैन द NCMEI। नेशनल कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट यू कैन से, बट इट हैज़ लेस पावर देन द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच इज़ अ क्वाशी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, इट कैन ओनली रिव्यू सेफ गार्ड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी राइट्स एंड मेक रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट बेस्ड ऑन द फाइंडिंग। नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक मतलब क्या, लैंग्वेज, लैंग्वेज के आधार पर, जैसे जो लैंग्वेज के माइनॉरिटीज़ रहते हैं, जैसे ऐसे कोई लैंग्वेज है जो बहुत ही कम पॉपुलेशन बात करती है, उसके अंदर जो होता है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होती है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दैट रेगुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इज़ परमिसिबल इफ इट इज़ इंटेंडेड टू एंश्योर एक्सेलेंस इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन विदाउट इंटरफेयरिंग विद इट्स माइनॉरिटी स्टेटस। क्या बोला, रेगुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इज़ परमिसिबल। मतलब क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलता है रेगुलेशन करना है माइनॉरिटी एजुकेशन का, इंक्लूडिंग द टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट है इज़ परमिसिबल इफ इट इज़ इंटेंडेड टू एंश्योर एक्सीलेंस इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। एक्सीलेंस मतलब तुम अगर और बेटर करना चाहो, उसको एक्सीलेंट करना चाहो विदाउट इंटरफियरिंग विद इट्स माइनॉरिटी स्टेटस, ठीक है। द कोर्ट रिफर्ड टू TMA-Pai वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 केस वाइल डिसाइडिंग दिस केस। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट अंडर 31 वॉज नीदर एब्सोल्यूट नॉर अबव लॉ। अब माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या है देखते हैं जरा। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट डिफाइंस MEI मतलब माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एज अ कॉलेज और एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड बाय अ माइनॉरिटी और माइनॉरिटीज। कौन से इसमें है, एस्टैब्लिश NCMEI एक्ट। NCMEI क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी। The Constitution of India does not define the term minority. Very important. Directly question expected exam. The Constitution defines the term minority. No, the Constitution does not define the term minority. But the NCMEI Act defines minority as a community notified as such by the central government. As per notification of the Government of India, there are six notified religious minority communities. कौन से छह minority committees हैं? कम्युनिटीज़ है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स। कौन से मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन। नो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैज़ बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टिल डेट। याद रखना,
कोई भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अभी तक गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किए। दस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर आउटसाइड द प्रिव्यू ऑफ द NCMEI। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर आउटसाइड द प्रिव्यू, मतलब नो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैज बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन एक्सेप्ट एग्जाम में आ सकता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड एंड बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय माइनॉरिटी कमेटी। ठीक है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगी वो एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर माइनॉरिटी कमेटी से कम्युनिटी से होगी। इफ़ इट इज़ रन बाय ट्रस्ट रजिस्टर्ड सोसाइटी, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स मस्ट बी ऑफ द माइनॉरिटी कमेटी। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश फॉर बेनिफिट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसके लिए, जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। वंस कन्फर्ड अ स्टेटस ऑफ MEI देयर इज नो नीड फॉर रिन्यूअल पीरियडिकली। अगर एक बार कन्फर कर दिया तो बार बार रिन्यूअल लेने की ज़रूरत नहीं है। राइट्स ऑब्टेन बाय MEIs इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैव सब्सटेंशियल मोर प्रोमिनेंट पावर ओवर दैन अदर इंस्टीट्यूशन। अदर इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा पावर है। क्यों ज़्यादा पावर है? क्योंकि दे हैव अ लिटिल ऑटोनॉमी विद दैम। MEI आर आउट ऑफ प्योरव्यू ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी अंडर आर्टिकल 15, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर आर्टिकल 15 MEI आर आउट ऑफ द प्योरव्यू ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी, मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी उनको नहीं लगाई जा सकती, दे आर आउट ऑफ द प्योरव्यू। MEIs कैन हैव अ रिजर्वेशन ऑफ अप टू 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ देयर ओन कम्युनिटी। मतलब अगर सपोज मुस्लिम माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो 50% उसमें मुस्लिम्स रह सकते हैं। ठीक है, मतलब रिजर्वेशन हो सकता है 50% मुस्लिम्स का। सेक्शन 12 ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 विच मैंडेट्स 25% रिजर्वेशन फॉर चिल्ड्रंस बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन MEI। मतलब MEI के लिए वो भी एप्लीकेबल नहीं है। RTE में, राइट टू एजुकेशन में, टेल मी गाइज विच इज राइट टू एजुकेशन आर्टिकल एंड वॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैड इट कम। ठीक है, आई विल टेल यू द आर्टिकल बट यू टेल मी वॉट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन विच इट हैड कम। तो आर्टिकल 21A इज राइट टू एजुकेशन। ठीक है, यू हैव टू टेल मी वॉट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू इट। ये जो 25% जो बोला था रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो चिल्ड्रन से, इज नॉट एप्लीकेबल टू MEI। मतलब MEI हो सकता है कि वो बोले कि नहीं हम नहीं लेंगे। हावेवर द SC हैज हेल्ड दैट ऑल स्कूल्स रन बाय माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस विल हैव टू ग्रांट फ्री एडमिशंस टू पुअर चिल्ड्रन ऑन 25% ऑन देयर सीट्स अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये जो EWS ये एप्लीकेबल नहीं था किस पे, MEI पे, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे कैसे एप्लीकेबल नहीं होगा, 25% तुमको सीट देना पड़ेगा राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। दे कैन ऑल्सो हैव सेपरेट फी स्ट्रक्चर बट नॉट अलाउड टू चेंज चार्ज कैपिटेशन फी। दे कैन हैव अ सेपरेट फी स्ट्रक्चर बट नॉट अलाउड टू चार्ज कैपिटेशन फीस। कैपिटेशन फीस मतलब डोनेशन टाइप। ठीक है, माइनॉरिटीज एट स्टेट लेवल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन माइनॉरिटीज। सेंटर अंडर द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 2 ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 कैन नोटिफाई अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट रिलीजियस क्लासिफिकेशन शुड बी ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड नॉट स्टेट वाइज। ठीक है, चलो ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रेगुलेटिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ध्यान रखना, राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एडमिनिस्टर एंड एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 में है। अंडर आर्टिकल 31, ठीक है, 31 ऑल माई 30 सब क्लॉज 1 टू बी वेरी प्रेसाइज, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज हैव द राइट
टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस. ठीक है, ओके. एंड आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है? प्रोहिबिट्स द स्टेट इन डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सच इंस्टीट्यूशन इन ग्रांटिंग एड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी. ठीक है, अब आते हैं हमारे सबरीमाला टेम्पल पे. सबरी गाइज, व्हाट डू यू थिंक द सबरीमाला इशू जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज दे आर अ क्लास ऑफ अ वेरी यू नो वेरी क्वालिफाइड एंड वेरी वेरी मैच्योर्ड एंड दे आर अ विजनरी सेट ऑफ पीपल. बट आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी दैट जो सबरीमाला इशू पे जो वर्डिक्ट आया है, क्या आपको वर्डिक्ट सही लगता है या नहीं? मतलब एवरीबडी हैज़ देयर ओन चॉइसेस. तो व्हाट डू यू थिंक इज द वर्डिक्ट? व्हाट डू यू थिंक इट कुड हैव मेड इट अ लिटिल मोर बेटर? ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है. जस्ट टेक 30 सेकेंड्स, जस्ट पॉज द वीडियो इफ यू वॉन्ट, जस्ट राइट डाउन कि सबरीमाला इशू में वी कुड हैव डन दिस एज वेल. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिफर्ड इट्स डिसीजन ऑन रिव्यू ऑफ 2018 सबरीमाला वर्डिक्ट. क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिफर्ड इट्स डिसीजन रिव्यू ऑफ सबरीमाला वर्डिक्ट अंटिल अ 7-judge बेंच एग्जामिन्स ब्रॉडर इशूज सच एज एसेंशियल ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है? इज इट डिफाइंड? नो, इट इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. In 2018 Sabarimala verdict, the majority opinion defined morality in Article 25 to mean constitutional morality. As per the Supreme Court, the magnitude of constitutional morality is not confined to literal text which a constitution contains. Rather, it embraces within itself virtues of a wide magnitude. मतलब एक broader perspective से चीज़ों को देखना, सिर्फ लॉज और इस पे नहीं देखना, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना कि ये राइट है या रॉन्ग है और इसके आगे क्या ये हो सकते हैं, इसको बोलते हैं मोरालिटी. इन द यंग इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स केस 2018, अ 5-judge बेंच हैड डिलीवर्ड अ लैंडमार्क 4:1 रूलिंग. 4:1 रूलिंग मतलब 4 हाँ और 1 ना. Setting aside the decades old restriction on the entry of women of reproductive ages inside Sabarimala temple. तो किसमें हुआ था? इंडियन यंग 2018 में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेज द स्टेट ऑफ केरला. इसमें 5-judge benches बेंच बैठी थी, उसमें 4:1 मतलब 4 judges ने बोला हाँ टेम्पल एंट्री होना चाहिए और 1 ने बोला नहीं होना चाहिए. The judgment remarked that ban on entry of women in Sabarimala is a kind of untouchability and thus violate of Article 17. ठीक है, ये हमें नहीं देखना है, हमें prelims perspective से क्या है देखना है. Doctrine of essentiality. It was invented by Supreme Court in Shirur Mutt case in 1954. Doctrine of essentiality क्या बोलता है? That the term religion will cover all rituals and practices integral to a religion and took upon itself the responsibility of determining the essential and non-essential practice of a religion. Essential and non-essential practice of a religion. ठीक है, शिरूर मठ केस 1954, डॉक्ट्रीन ऑफ एसेंशियलिटी. ठीक है, ओके ओके, लेट्स गो टू अभी प्रेसिडेंट के पास जाते हैं. बहुत बढ़िया, हमारे ट्रंपा के पास जाते हैं अभी. इम्पीचमेंट ऑफ द US प्रेसिडेंट. इम्पीचमेंट, हमारे US के प्रेसिडेंट इम्पीच होने वाले थे बट बाल बाल बच गए. अब कैसे है क्या है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो क्या बोलते हैं हमारे ट्रंपा? ठीक है, तो इम्पीचमेंट ऑफ द US प्रेसिडेंट, तो इम्पीचमेंट मतलब निकाल दिया जाना, मतलब दरखास्त करना. ठीक है, अभी डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टू हैव बीन इम्पीच्ड. मतलब ये तीसरे प्रेसिडेंट थे जो इम्पीच्ड मतलब निकाल दिए जाने वाले थे, बट सिंस ही वॉज एक्विटेड बाई सेनेट ही वॉज नॉट रिमूव्ड.
तो इसमें क्या होता है, यूएस जैसे हमने हमें लोकसभा और राज्यसभा होता है, यूएस में क्या होता है, हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उसको लोअर हाउस बोलते हैं एंड अपर हाउस को सेनेट बोलते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, और अपर हाउस को सेनेट। जैसे अपने यहाँ पे लोअर हाउस इज लोकसभा एंड अपर हाउस इज राज्यसभा। तो हम कंपेयर करेंगे बेसिकली कि इंडिया में कैसे इम्पीच किया जाता है प्रेसिडेंट को एंड यूएस में कैसे इम्पीच किया जाता है प्रेसिडेंट को। तो इंडियन प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस फॉर द वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुज मीनिंग इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सिंपल एज दैट। यूएस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस फॉर ट्रीजन। ट्रीजन मतलब जो सॉवरनिटी ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करे उसको ट्रीजन बोलते हैं। ब्राइबरी और हाई क्राइम्स एंड मिसडेमर्स। मिसडेमर्स मतलब ये इतने इतने हार्श क्राइम्स नहीं होते बट क्रिमिनल क्राइम्स होते, ठीक है। द इम्पीचमेंट अभी इंडियन का देखते हैं। द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें क्या होता है इंडिया में, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी लोकसभा में भी इम्पीचमेंट इनिशिएट कर सकते हैं, राज्यसभा में भी इनिशिएट कर सकते हैं। यूएस में क्या होता है, द हाउ ओनली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दैट इज लोअर हाउस कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स। सिर्फ लोअर हाउस इनिशिएट कर सकते हैं, अपने यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा लोअर हायर दोनों हाउस कर सकते हैं। दीज चार्जेस इंडिया में, दीज चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस दैट फ्रेम्ड द चार्जेस एंड अ 14 डेज नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। मतलब जो भी हाउस उसका ये कर रही है, पहले चार्जेस फ्रेम कर रही है, उसको 1/4 मेंबर्स को पहले साइन करके देना पड़ेगा एंड 14 दिन की नोटिस देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को। इसमें क्या होता है यूएस में, वंस दिस इज पास्ड, मतलब ये जो लोअर हाउस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग पास होती है विद अ सिंपल मेजॉरिटी, द प्रोसेस गोज फॉर ट्रायल। मतलब सिंपल मेजॉरिटी से पास होने के लिए आफ्टर दैट द प्रोसेस गोज फॉर ट्रायल। आफ्टर द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाई मेजॉरिटी इंडिया में, आफ्टर द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाई मेजॉरिटी ऑफ टू थर्ड ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, इट इज सेंड टू अदर हाउस विच शुड इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। मतलब 2/3 मेजॉरिटी का टोटल जो मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप 2/3 मेजॉरिटी वो करके इट इज सेंड टू द अदर हाउस विच इन्वेस्टिगेट द चार्जेस, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, नेक्स्ट द सेनेट द अपर हाउस इज कन्वीन लाइक अ कोर्ट। इसमें क्या होता है, लोअर हाउस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से चार्जेस पास हुए, फिर अपर हाउस में गए सेनेट में, फिर सेनेट एक्ट्स लाइक अ कोर्ट विद बोथ साइड्स प्रेजेंटिंग एविडेंस। मतलब दोनों साइड्स एविडेंस प्रेजेंट होते हैं। एंड फिर इंडिया में देखते हैं, इफ़ द अदर हाउस ऑल्सो सस्टेन्स द चार्जेस एंड पासिस द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन बाई मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, देन द प्रेसिडेंट स्टैंड रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन विच द बिल इज सो पास्ड। ओके, एंड यूएस में क्या होता है, एट द कंक्लूजन ऑफ दीज हियरिंग्स द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली इफ 2/3 ऑफ द सेनेट वोट्स फॉर इट। और यूएस में क्या हो गया, ये सेनेट में इनकी ये थी मेजॉरिटी थी, इसके लिए प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हो पाए, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिड ये क्यों न्यूज़ में रहा है, बिकॉज प्रेसिडेंट हैड रिजेक्टेड मर्सी प्लीज बाय कन्विक्ट्स इन द निर्भया केस। निर्भया केस आप सब लोगों को तो पता ही है, तो ये जो न्यूज़ में रहा है इसके वजह से हमें इन्हें पढ़ना पड़ेगा कि पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है। अब आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन रिप्राइव रिस्पाइट्स और रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। कि कौन सा आर्टिकल पावर देता है, आर्टिकल 72 पावर देता है। किसको देता है पावर, प्रेसिडेंट को देता है भाई साहब पावर। क्या पावर देता है, पार्डन कम्यूटेशन रिप्राइव रिस्पाइट रेमिशन और एनीथिंग फॉर अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, रिमेंबर एनी ऑफेंस, ठीक है। अब हम देखेंगे एक एक करके पार्डन कम्यूटेशन रिस्पाइट क्या है, ठीक है।
तो पार्डन क्या बोलता है? पार्डन इज कंप्लीटली अब्सॉल्व फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस एंड पनिशमेंट। मतलब हमारे प्रेसिडेंट जी बोलते हैं, जा तुझे पार्डन किया, मतलब जा तुझे आज़ाद किया, जा तुझे छोड़ दिया। सो कोई भी सेंटेंस या पनिशमेंट तुझ पे नहीं है, तुझे पार्डन कर दिया, जा। ठीक है, पहला हो गया पार्डन। कम्यूटेशन क्या बोलता है? टू रिप्लेस द पनिशमेंट विथ लेस सीवियर पनिशमेंट। कम्यूटेशन मतलब उम्र कैद की सज़ा दी है मैंने, सपोज एक इंसान, एक कोर्ट ने, तो प्रेसिडेंट उसको बोलेगा कि ठीक है चल, तू उम्र कैद मत कर, तू 10 ही साल कर दे। ठीक है, टू रिप्लेस द पनिशमेंट विथ लेस सीवियर पनिशमेंट। कम्यूट, कम्यूट मतलब कम करना, याद रखना इससे 10 साल, याद रखना। एग्जाम्पल्स की तरह याद रखोगे, सिंपल, हंसते खेलते पढ़ाई करेंगे, कोई टेंशन नहीं। रिप्राइव, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ डेथ सेंटेंस। रिप्राइव में क्या होता है? टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ डेथ सेंटेंस। रिप्राइव इज टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ डेथ सेंटेंस। रिस्पाइट, अवॉर्डिंग अ लेसर पनिशमेंट ऑन सम स्पेशल ग्राउंड्स लाइक प्रेगनेंसी एक्सेट्रा। तो कम्यूटेशन में भी एक लेसर सेंटेंस, कम्यूटेशन में क्या होता है, पनिशमेंट को सीवियर से लेस सीवियर करते हैं। ठीक है, मतलब उम्र कैद से 10 साल। और रिस्पाइट में क्या होता है, एक लेसर पनिशमेंट अवार्ड होती है ऑन स्पेशल ग्राउंड्स लाइक प्रेगनेंसी एक्सेट्रा। रिस्पाइट में, रेमिशन में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। अमाउंट, रिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, मतलब रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के बदले रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 15 ईयर्स। वैसे ये उससे होता है रेमिशन में। वापस एक बार देख लेना, पार्डन में क्या होता है, पार्डन तुझे माफ़ कर दिया। कम्यूटेशन में क्या होता है, उम्र कैद से लेके 10 साल, मतलब रिप्लेस पनिशमेंट विद लेसर लेस सीवियर पनिशमेंट। रिप्राइव में क्या होता है, टेम्पररी सस्पेंशन। रिप्राइव मतलब चल, टेम्पररी तेरे को सस्पेंशन दिया डेथ सेंटेंस से। रिस्पाइट में क्या होता है, अवॉइडिंग अ लेसर पनिशमेंट। रिस्पाइट में प्रेगनेंट को याद रखना, रिस्पाइट में प्रेगनेंट लेडी है, उसको लेस लेस पनिशमेंट अवॉर्ड कर रहे। क्यों? क्योंकि ऑन अ ग्राउंड, ऑन अ स्पेशल ग्राउंड लाइक प्रेगनेंसी या एक्सेट्रा, एनी थिंग हो सकता है, ये मेंटल कैपेसिटी भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। एंड रेमिशन में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ द सेंटेंस। रेमिशन में रिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। अब द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दीज पावर्स इन ऑल केसेज वेयर पनिशमेंट ऑफ द सेंटेंस इज बाई कोर्ट मार्शल, इन ऑल केसेज वेयर द पनिशमेंट ऑफ द सेंटेंस फॉर एन ऑफेंस इज अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स, इन ऑल केसेज वेयर सेंटेंस इज सेंटेंस ऑफ डेथ। अब ये सारी जो पावर है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज एक्सरसाइज ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ध्यान रखना, ऑन द एड ऑफ एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी नेक्स्ट है 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 9th शेड्यूल क्या है? 9th शेड्यूल, तो 9th शेड्यूल क्या बोलता है कि एक लिस्ट है जिसमें जिसमें कोर्ट ये नहीं कर सकता। मतलब इट वॉज बेसिकली अ लिस्ट विच वॉज एडेड इन द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। उसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो ज़मींदारी और ये अबॉलिश करने के लिए बेसिकली उसको लाया गया था। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, आप कोई टेंशन मत लो। ठीक है, वाई इन द न्यूज़ रिसेंटली देर वॉज अ डिमांड टू पुट रिजर्वेशन प्रोविजन्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड OBCs अंडर 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी डिमांड क्यों कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस कि उनको 9th शेड्यूल में डाला गया? क्योंकि जो 9th शेड्यूल है उसको उसको चेंज नहीं किया जा सकता और उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता कोर्ट में। अब मैं आपको बताऊंगा 9th शेड्यूल के बारे में। 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज विच कैनॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स। ठीक है, एनी एक्ट विच इज एडेड अंडर द 9th शेड्यूल गेट्स रिस्ट्रेन फ्रॉम एनी इनक्रोचमेंट फ्रॉम जुडिशरी इवन इफ इट इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल।
आगे बताऊंगा कि जुडिशरी ने बोला पहली फुर्सत में निकलो, ऐसा नहीं होगा, मैं बताता हूँ आपका आगे जाकर। इट वॉज एडेड विद द फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। इट वॉज क्रिएटेड बाय न्यू आर्टिकल 31B, अलॉन्ग विच 31A वॉज ब्रॉट इन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट लॉज रिलेटेड टू एग्रेन रिफॉर्म्स एंड फॉर अबॉलिशिंग ऑफ जमींदारी सिस्टम। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, 31B, 31A, एग्रेरियन रिफॉर्म एंड अबॉलिशिंग ऑफ जमींदारी सिस्टम। इन द आर कोहलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस, सुप्रीम कोर्ट हेड दैट लॉज प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल वर ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटिनी। मतलब ठीक है भाई साहब, तुम बोल रहे हो ये नहीं अलाउड नहीं, वो अलाउड नहीं, बट आई आर कोहलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल स्क्रूटिनी मतलब जुडिशियल जुडिशियल उसमें ले सक देख सकती है कि तुम क्या कर रहे हो। बट एस सी लेट डाउन ड्यूअल टेस्ट टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द लॉ इन प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल। ठीक है, उसमें क्या बोला है जुडिशरी ने कि एक एक टेस्ट होगा जिसमें से तो ही वो इन्फ्रिंज मतलब तो ही वो देखेगी क्या है, अगर वो टेस्ट पास करती है तो नहीं देखेगी। ठीक है, तो ऑफ अ लॉ प्लेस इन है दैट इज वेदर इट वॉयलेट्स एनी फंडामेंट, क्या ये कोई फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर सकता है? अगर इसका जवाब हाँ है, हाँ ये कोई ये फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, फिर उसका कोई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वेदर द वॉयलेशन ऑल्सो डैमेजेस द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर जब वॉयलेट फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है और ये बेसिक स्ट्रक्चर को भी वॉयलेट कर रहा है, देन द लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर ये दोनों चीज़ कर रहा है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जी ने बोला है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पे। ओसीआई कार्ड होल्डर्स डू नॉट एंजॉय फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला कि क्या बोला कि जो ओसीआई कार्ड होते हैं ये फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं एंजॉय कर सकते, डू नॉट एंजॉय फंडामेंटल। अब ओसीआई के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं। OCI स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई अमेंडिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 इन ऑगस्ट 2005। अब क्या बोलता है, अ फॉरन नेशनल हु वॉज एलिजिबल टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26/1/1950 और वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और एट एनी टाइम आफ्टर 26/1/1950 और बिलोंग टू अ टेरिटरी दैट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15/8/1947 इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज ओ सी आई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, माइनर चिल्ड्रन ऑफ सच पर्सन आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर ओ सी आई, अगर उसके बच्चे हैं तो वो भी ओ सी आई के लिए एलिजिबल है। हाउएवर द एप्लीकेंट हैड एवर बीन अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ओ सी आई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो अगर है एप्लीकेंट बीन सिटीजनशिप ऑफ बांग्लादेश और पाकिस्तान ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ओ सी आई। ओ सी आई कार्ड होल्डर्स डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स एंड कैनॉट होल्ड गवर्नमेंट जॉब, सिंपल एज दैट, दे कैनॉट होल्ड गवर्नमेंट जॉब नॉर दे हैव वोटिंग राइट्स। दे हैव बीन ग्रांटेड स्टैचुटरी राइट्स अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। स्टैचुटरी राइट्स एक्ट मतलब एक्ट अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, देयरफॉर वॉट राइट इज ग्रांटेड डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अ रजिस्टर ओ सी आई इज ग्रांटेड मल्टीपल एंट्री, जो रजिस्टर ओ सी आई जिसके पास ओ सी आई कार्ड है उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मल्टीपल एंट्री आ सकता है जा सकता है इंडिया में, मल्टीपर्पज़ भी हो सकता है, मल्टीपर्पज़ लाइफ लॉन्ग वीज़ा हो सकता है विजिट इंडिया के लिए। ओ सी आई इज एंटाइटल टू जनरल पैरिटी विथ नॉन रेसिडेंट इंडियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल टू देम इन इकोनॉमिक फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल फील्ड्स।
एक्सेप्ट इन मतलब ये क्या ये जनरल ये नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट इंडियंस है ना, उनके जैसी ही उनके जितने ही बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं इन रिस्पेक्ट टू क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फाइनेंशियल एंड एजुकेशन फील्ड्स, एक्सेप्ट इन द मैटर्स रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़। इसके शायद राइट्स NRI को मिलते हैं कि वो एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं। अ रजिस्टर्ड OCI इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर लेंथ ऑफ एनी लेंथ ऑफ स्टे इन इंडिया। जैसे कोई भी बाहर से आएगा तो उसको पहले फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके उसको खुद को रजिस्टर करना पड़ता है, वो OCI को नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये हमने बात की OCI के बारे में। अब हम बात करेंगे UN नॉट अ स्टेट, UN इज़ नॉट अ स्टेट, ये कौन बोलता है? दिल्ली हाई कोर्ट बोली कि यूनाइटेड नेशन इज़ नॉट अ स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इज़ नॉट अमेनेबल टू द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ है, आर्टिकल 12 जो होता है इसमें अपना अगर आप आर्टिकल 12 पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, इट डिफाइंस कौन कौन स्टेट में इंक्लूड होता है। ठीक है, यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, एनी लोकल और अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज़ अ स्टेट। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ लीगल सूट अगेंस्ट UNO एज इट इज़ नॉट अ फॉरन स्टेट एंड इज़ ओनली एन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट ज़रूरी नहीं है टू इनिशिएट अ लीगल सूट अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ नॉट अ फॉरेन स्टेट एंड ओनली एन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन 86 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड CPC 1908 प्रोवाइड्स दैट अ फॉरेन स्टेट मे बी सूड इन एनी कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। CPC मतलब सेंट्रल सिविल प्रोसीजर कोड क्या बोलता है, 1908 वाला, कि अगर आपको किसी फॉरेन स्टेट को सू करना है, सू करना है मतलब उसके अगेंस्ट कोई भी केस करना है या कुछ करना है कोई भी कोर्ट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट लगना चाहिए। इट हवेवर सेट UNO एंड इट्स ऑफिशियल एन्जॉय इम्यूनिटी अंडर यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947। क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियल्स एंड इट्स जो भी काम करते हैं वहाँ पे जो प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ है तो उनको मिली गई है। एज़ पर द एक्ट UNO हैज़ इम्यूनिटी फ्रॉम एवरी फॉर्म ऑफ लीगल प्रोसेस एक्सेप्ट इन सो फार एज इन एनी पर्टिकुलर केस इट हैज़ एक्सप्रेसली वेव्ड इट्स इम्यूनिटी। ठीक है, ओके। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स इन न्यूज कौन से, आर्टिकल 87 इट डील्स विद स्पेशल एड्रेसेस बाय प्रेसिडेंट एंड प्रोवाइड्स दैट प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर। आर्टिकल 87 एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी ईच जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, मतलब एवरी ईयर के पहले सेशन का पहला दिन जो होता है वो प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा एंड एवरी इलेक्शन मतलब इलेक्शन होने के बाद जो पहली बार सिटिंग होती है उसको भी एड्रेस कौन करेगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट्स एड्रेस कंटेंस लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी प्रपोजल्स दैट द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इनिशिएट। प्रेसिडेंट क्या बातें करता है फिर, लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी प्रपोजल्स दैट द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इनिशिएट। 164 सब क्लॉज 3 ये क्या बोलता है, इट मैंडेट्स द गवर्नर शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू अ मिनिस्टर बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज और हर ऑफिस। फॉर्म ऑफ ओथ इज मैंशनड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल रिक्वायर्स द ओथ टेकर ईदर टू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड और सोलमली अफर्म। ठीक है, 164 सब क्लॉज 3 में गवर्नर ओथ दिलाता है मिनिस्टर्स को। ठीक है, अब आर्टिकल 340 एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू अपॉइंट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द
कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, आर्टिकल 340 में क्या बोलता है, आर्टिकल 340 एम्पावर करता है, किसे एम्पावर करता है, प्रेसिडेंट को, टू अपॉइंट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. अंडर दिस कमीशन हेडेड बाय जस्टिस जी रोहिणी वॉज फॉर्म टू लुक इन टू द सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर ओ बी सीज इन 2017, ठीक है. 340 में प्रेसिडेंट को बेसिकली, टेंशन इतना मत लो, इतने सारे आर्टिकल्स आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप है ना एक सिर्फ नज़र डालिए दो तीन बार, आप मेरा वीडियो दो तीन बार देखिए, आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. आर्टिकल 371 to 371J क्या बोलता है, पार्ट कौन सा है, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलता है, ये ग्रांट्स टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस टू सम स्टेट्स इन द कंट्री, क्या करता है, टेम्पररी ग्रांट्स टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस टू सम स्टेट्स इन द कंट्री. वाइल द आर्टिकल 371 वॉज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट, आर्टिकल 371A थ्रू 371J वर इनकॉर्पोरेटेड सब्सिक्वेंटली. आर्टिकल 371 डील्स विद गुजरात एंड महाराष्ट्र, 371A नागालैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये नोट डाउन कर लो कि ये आर्टिकल 371 क्या बोलता है, ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन टू सम स्टेट्स इन द कंट्री. तो पूछा जाएगा 371A किसको करता है, 371B किसको करता है, तो 371 डील्स विद गुजरात एंड महाराष्ट्र, 371A डील्स विद नागालैंड, 371B डील्स विद आसाम, 371C मणिपुर, 371D and E आंध्र प्रदेश, 371F इज सिक्किम, 371G इज मिजोरम, 371H इज अरुणाचल प्रदेश, 371I इज गोवा, 371J इज कर्नाटका एक्सेट्रा. और ये हो गया हमारा पहला. तो अभी ये नेक्स्ट टाइम हम करेंगे फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट. अभी जो भी हम बात करेंगे इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, इवन व्हाट आई हैव टॉट यू इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. सो एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई हैव ओनली 2 सब्सक्राइबर्स, आई डोंट नो हु दे आर, बट या आई हैव ओनली 2 सब्सक्राइबर्स. एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माई वीडियो, इफ़ यू लाइक द वे आई एम एक्सप्लेनिंग, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि आप जितना बांटोगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा. ट्रस्ट मी, आई हैव एक्सपीरियंस दिस एंड आई एम टेलिंग यू थ्रू माई एक्सपीरियंस. एंड वी विल फिनिश आर सिलेबस इन एवरीथिंग दिस मंथ ओनली, दिस ऑगस्ट मंथ विल कम्प्लीट ऑल द PT 365 ऑफ, आई थिंक सब खत्म करेंगे हम. एंड विल कम्प्लीट द पॉलिटी, विल कम्प्लीट हिस्ट्री, जोग्राफी, आई टीच यू एवरीथिंग ये मंथ में. विल प्लान आउट एंड विल शेड्यूल समथिंग, ये एक वन एंड अ हाफ मंथ्स में, 40-50 days में विल कवर एवरीथिंग. ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन, एंड थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, थैंक्स.